तुम अब मॉन्क बन चुके हो, तुम्हें अब हर नियम मानने होंगे। अब तुम शिकार नहीं कर सकते। पर गुरुजी, मुझे तो शिकार करना आता ही नहीं। तभी तो मॉन्क बने हो तुम। हाँ गुरुजी, मैंने तो बचपन से मीट नहीं खाया क्योंकि घर में पैसे ही नहीं होते थे। गुरुजी प्रणाम। ये है हमारा नया शिष्य तियानबो, और ये है यहाँ का पुराना शिष्य जुनबाओ। शाओलिन के नियम बड़े सख्त हैं। ये तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, तुम अपने सीनियर की हर बात मानोगे। जुनबाओ, तुम इसे यहाँ की कला कैसे सीखते हैं बता देना। क्या सिखाना है गुरुजी? जितना सीखा है उतना ही सिखा देना। तो जूनियर तैयार हो? मैं तुमसे लंबा हूँ और बड़ा भी, फिर मैं जूनियर कैसे हुआ? वो तो मैं नहीं जानता, पर गुरुजी ने ऐसा ही कहा। तो ठीक है, मैं तुम्हें सबके सामने सीनियर नहीं कहूँगा, हम दोनों अकेले होंगे तब कहूँगा, समझ गए तुम? ठीक है, बड़े समझदार हो तुम। वो तो मैं हूँ। चलो सीनियर। पर तुम हो जूनियर। अच्छा सब लोग तैयार हो तो चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 1 2 3 एक। जूनियर देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो मुझे भी आता है, पर तुम कहाँ इनकी तरह इतना अच्छा करते हो। हाँ ठीक है। 1 2 3 ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये सब सीख के हम क्या करेंगे? ये सीख कर हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्या हुआ, तुमने हमें क्यों मारा? क्या छुप छुप कर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुंग फू नहीं सिखाऊंगा, जाओ सफाई करो। तुमने मुझे मारा? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चाहते हो और मार खाना चाहते हो? यहाँ से दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। चलो यहाँ से, नहीं तो रूल बनाएंगे। गुरुजी को धूप लग रही होगी, चलो उन्हें छाया दे। हर चीज में जीवन होता है, पेड़ पौधों में भी। हमें अपने फायदे के लिए इनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसा करना स्वार्थ है। अब इसे हटा दो। ठीक है गुरुजी, अगर आपको धूप में ही बैठना है तो हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मुझे कुंग फू सीखना है गुरुजी। पर क्यों सीखना चाहते हो? ताकत बढ़ेगी। फिर से सोच लो, ध्यान से सोचना। हम सीखना चाहते हैं। कुंग फू से हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, याद रखना तुम। हम याद रखेंगे गुरुजी। मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। जिन बॉय से पकड़ो। मैंने पहचान लिया तुम लोग कौन हो। तुमने कैसे पहचाना? मैं तुम्हारा नाम जो लिया। उसने अगर हमें नहीं पहचाना होता तो आज हम दोनों को ये सजा ना मिलती। सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? उसने मुझे धक्का दिया और गलती से नाम निकल गया। मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। आज तो तुमने हद कर दी। मैंने कहा था कुंग फू से दूसरों की मदद करना, तुम खुद लड़ने लगे। तुमने मेरा सिर झुका दिया है, मेरे सीनियर के शिष्य को तुमने पीटा। चुप रहो, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। समझ गए? अब तुम लोग यहाँ पर 3 घंटे तक बैठे रहो घुटनों के बल, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। खाने को कुछ और नहीं मिलेगा। जितना मिला है उतना काफी है। आज के बाद कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ आया था कुंग फू सीखने के लिए और मुझे लगा दिया साफ सफाई करने में। तुम चिंता मत करो, मुझे जो भी आता है मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। तुम्हें कुछ आता भी है? तो ये देखो। देखा तुमने मैंने ये कैसे किया, अब तुम भी मुझे करके दिखाओ, ठीक है? तुमसे अच्छा देखो। देखा कि 1 2 3 मेरे सर पे क्यों मारा तुमने? ये लो, ये संभालो। कुछ कम नहीं हो तुम? क्यों, कैसी रही?
गुरुजी कहते हैं इस कला से दूसरों की मदद करो। किसकी मदद करो? दूसरों की और किसकी। मैं शाओलिन टेंपल का नंबर वन बनना चाहता हूँ। पता नहीं मैं कब नंबर वन बन पाऊंगा, कब 18 ब्रॉन्ज मैन और वुडन वॉरियर्स को हरा पाऊंगा, पता नहीं ये कब होगा। अरे हटो यहाँ से वरना सब देख लेंगे। देख लेंगे तो देखने दो, मुझे क्या। देखो मेरी बात मान लो, यहाँ से हटो नहीं तो। अरे गुस्से में देखो तुम मुझे छेड़ रहे हो, अगर मैं गुस्से में आ गया तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम। अच्छा अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे कोई चैन से करनी है, सोने दो ना। मेरी तलवार से बचो। अभी तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है, तुम्हारे हाथों में ताकत बिल्कुल नहीं है। चलो चलो प्रैक्टिस करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कपड़े दीमक ने चाटे हैं कि चूहों ने काटे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी हमें ऐसे देखेंगे तो कक्षा में बैठने भी नहीं। वैसे हमारे तो ठीक लगते हैं, अच्छे वाले बचा जो लिए थे। इनके कपड़ों को क्या हुआ? लगता है शायद चूहों का काम है। आजकल चूहों और दीमकों ने नाक में दम कर रखा है, जाओ जाकर उनका कोई इलाज करो। अब इन चूहों और दीमकों का करें क्या? कह देंगे सांप उनको खा गए। थोड़ा और डालो, कंजूसी क्यों करते हो? अरे बहुत है, जितना चाहो उतना पियो, लो तुम भी लो। थोड़ा और डालो ना, तुम्हें मिल चुका है। अब उसकी बारी। उसे दिया था, खाना आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखा नहीं मैं फिसल गया था? नहीं मैंने फेंका है, जाकर कह दो गुरुजी से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, गुरुजी को कोई हिम्मत ना, देख लूंगा तुम्हें, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अरे छोड़ो। तुम्हें एक बात बता दूं, मैं उसे छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, देख लेना बहुत मार खाएगा। 17, 18, 19। तुम ईंटों को तोड़कर गिनती कर रहे हो, मैं उन सबके सर तोड़कर गिनती करूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी बात सीधी तरह समझ आया करो। मार डाला। गुरु जी कर क्या रहे हैं? तो ये है कॉस्मिक पाव। आज हम सबसे माहिर शिष्य का चुनाव करेंगे, वो डामार हॉल में जाएगा
और मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन तकनीक सीखेगा। याद रखना, कुंग फू का मकसद है दूसरों की मदद करना, और सारे प्रतियोगी इस बात का ध्यान रखें। तो आज का पहला मुकाबला होने वाला है थियांबो और ज़ियांबो के बीच। शुरू करो। आखिर मौका मिल गया। कला को प्रणाम। शुरू करो। अब तुम गए समझो। तुमने बेईमानी की है। ज़ियांबो, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। माफ कीजिए गुरुजी। तुम अपनी इन हरकतों की वजह से कुंग फू सीखने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें निकाला जाता है। ऐसा मत कीजिए, सिनबाओ ने बेईमानी की थी। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? माफी चाहूंगा। आपको दिखता नहीं उसने बेईमानी की? तुम्हारी इतनी हिम्मत? गुरुजी, ये तुमने कहां से सीखा? आप ये भी नहीं देख पाए? आपसे ही सीखा। चुप करो, इसका ये मतलब नहीं था। अब तुम्हारा बच के निकलना मुश्किल है। सब लोग तैयार हो जाओ। तैयार है। देखो, हम सब भाई भाई हैं, बैठ कर बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये लो दोस्त, संभालो, इसे मार करो। हाँ, अब इस घेरे को तोड़ते। चारों तरफ से घेरो और इन पर हमला करो। ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
गुरुजी, निकलो यहाँ से। निकलो। तुम, तुम्हीं ने इन लोगों को सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। तुम्हारे कारण यहाँ का अनुशासन भंग हुआ है। सबने देखा, बेईमानी उसने की और इल्जाम मुझ पर लगा। गुरुजी ने पक्षपात किया है हमारे साथ। आखिर वो लोग हमसे चाहते क्या थे? वो लोग हमें मारना चाहते थे। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। गुरुजी, हम गलत थे। नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। अब तुम बाहर की दुनिया में जाकर सीखो। परेशानियों की जड़ें ही हमें मजबूत बनाती हैं। जिन बहुत तुम बड़े नेक इंसान हो, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। लेकिन तैनबाओ, तुम क्रोध पे काबू नहीं रख पाते। इस किताब से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। इस किताब का मार्शल आर्ट से कोई वास्ता नहीं है। जब भी तुम्हारे मन में कोई परेशानी हो तो इसे पढ़ना, बड़ा सुकून मिलेगा। मेरी बात याद रखना, और हाँ, मन को हमेशा शांत रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ। जी गुरुजी, धन्यवाद। ये कौन लोग हैं? ये सब तमाशा करने वाले हैं। अजीब दिख रहे हैं। हाँ, आधे बाल जो मुड़वा रखे हैं। भूख लगी है। वो तो मुझे भी लगी है। चलो कुछ ढूंढते हैं। कोई हमें देख नहीं रहा। क्या ये सब गरीब लोग हैं? लगता तो ऐसा ही है। देखो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। देखो, उसके पास जरूर कुछ होगा। अरे उसको छोड़ो, इस तरफ चलते आओ। प्रणाम। दो पर वाला आपका भला करे। अरे तुम गंजे यहाँ कहाँ से आ गए? तुम्हें देखकर मेरी किस्मत खराब हो गई। वो क्या है ना कि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन तो मेरा भी है, पर मैं भूल गया था। अरे हमें क्या मतलब, भागो यहाँ से। माफ कीजिएगा, गलती। कोई बात नहीं। क्या आप दोनों में से कोई मोरांग बे को जानता है? ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। यहाँ भूख लगी है और ये पता पूछ रही है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। चलो मेरे साथ। चलो। टिंग टिंग टिंग। चलो जल्दी मालिक आओ, फटाफट। पिछली बार भी तुमने कम पैसे दिए थे, समझे? पर तुम ऐसे नहीं मानोगे। मारो। दे चुके मैंने पहले दिए थे। अरे मैं बचाओ, मैं बचाओ। बात नहीं मानो, ये तो यही अंजाम होगा। शर्म आ गई। ये तुम्हारे पैसे, मैं उनसे छीन कर लाई हूँ। क्या? उनसे छीन कर लाई हूँ? ये सब क्या चल रहा है? देखते हैं। वो अकेली है। हाँ तो जाओ। ठीक है। देखो वो अकेली पड़ गई है, ये गलत बात है। अभी अभी बताओ। शुरुआत तुमने की, अब मेरी बारी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। वो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मुझसे लड़ोगे? ये तो, हाँ, जब से मेरी शागिर्दी में आया अच्छा लड़ता है। थोड़ा सा पाउडर।
किसने मारा तुम्हें? जल्दी भागो यहाँ से, सिपाही आ गए। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। चलो वो रहे वहां पर, पीछा करो, बच के ना जाने पाए। हम दोनों है सच्चे दोस्त, भीख मांग के खाते हैं, कभी इससे मांगते हैं, कभी ये मुझसे मांगता है, और हम दोनों इन बालों में तुम लड़की लग रहे हो। पहचाना नहीं? कैसे पहचानते हैं? बिच्छू पहना हुआ है। तो जाके ना हलो। मेरा वाला तो घोड़े की पूंछ का है, पर इसका वाला किसकी पूंछ का है? मेरा वाला रेस के घोड़े की पूंछ का है। ये रेस के घोड़े का विक तो मैंने लगाया, इसलिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। क्या शानदार सवारी है। सुनो ये लोग कौन है? ये तो मास्टर ली है, ये अपने सिपाहियों के साथ पूजा करने जा रहे हैं। पता है ये बहुत जालिम है। कुछ भी कहो, इनकी शान है निराली। तो क्या तुम भी उनमें शामिल होना चाहते हो? बिल्कुल, अगर मौका मिला तो। अरे वाह भाई, आज तुम लोग जल्दी आ गए। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास डिश बनाई है। अरे खाओ खाओ। भाई हम भी देखें आज क्या खास बना है। तुम भी देखो क्या खास बना है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है, और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं एक बार जिसे देख लेता हूँ हमेशा याद रखता हूँ। बकवास नहीं, ये सच है। ये यहाँ की स्पेशल नॉन वेज डिश है। क्या क्या ये खाना मांसाहारी है? मेरा चावल से काम चल जाए। तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था कि जहाँ पर जो भी मिले उसे खा लेना चाहिए। उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी। तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जिनके बहन है ये, सब लोग इसे दूर रहना।
बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्यों आई तुम यहां पे? अब तो तुम्हारा दिल भर गया? जाती हो या नहीं? या मैं तुम्हारा सर तोड़ दूं? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती हुई। आपके सिर से खून बह रहा है। रुकिए, अरे हिलिए मत, अब मैं संभालता हूँ। ये लो। देखा, लग जाती तो। ये फिर आ गया, निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। ये हमारे पीछे को पड़े हैं। पकड़ना इसको, जिंदा मत छोड़ना। जल्दी करो, इस तरह। कुछ समझ नहीं आ रहा, हम किस तरह जा रहे हैं? अरे सुनो, जल्दी। ओह, तुम्हारे हाथ में औरत है। मुझे माफ करना गुरुजी, मैंने औरत को हाथ लगाया। तुम्हारा तो खून बह रहा है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अरे ये क्या, हम तो फिर से वहीं पर आ गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, ये दूसरी जगह है, एक जैसी ही दिखती है। ऐसा करो, तुम दोनों फर्श पे लेट जाओ, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, ठीक है? उफ, मैं आश्रम में ही खुश था। भूल गए गुरुजी ने क्या कहा था? आश्रम से बाहर जाओगे तो ही सीखोगे। बेकार की बातें छोड़ो, हमारा कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो मान जाओ, मेरी बात का यकीन करो, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन वो यहाँ हमें हमेशा नहीं रहने देंगे। अब वैसे भी मुझे नींद आ रही है, ये सब बातें हम सुबह कर लेंगे, ठीक है? चलो आप सो भी जाओ। ये मेरी जगह है। क्या सच में मैं उनकी सेना में शामिल हो पाऊंगा? उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका माल भी कोई चोरी कर सकता है। वाकई क्या माल हाथ लगाया आज तो। अरे लेकिन इतने माल का करेंगे क्या? अरे इतना तेज चिल्ला रहे हो, किसी ने सुन लिया तो? लेकिन तुम बंद खुद भी तो चिल्ला रहे हो। एक काम करते हैं, ये पैसा हम गरीबों में बांट देते हैं तो हमारा क्या होगा? मुझे लगता है कि ये सब बागी हैं। अच्छा होगा इस मुसीबत में हम ना फंसे। मेरी बात सुनो, पता करने में क्या हर्ज? चुपचाप चलो और सो जाओ। अरे अब ये नई फोटो किसकी लग गई? अरे होंगे कोई नए चोर, और किसकी लगेगी? अरे लूटपाट तो बढ़ती जा रही है, हमारे क्या होगा? ये चारों चोर दिखते एक ही जैसे हैं। ये तो उन्हीं लोगों की तस्वीर है जिनको हमने रात में देखा। क्या कोई सुन लेगा? अब मेरा वाला बहुत खट्टा है। मेरा भी। ये क्या हो रहा है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा? तो बताओ आज तुम कौन सा खेल दिखाओगे? मैं सीने पर हथौड़ा खाऊंगा। हथौड़ा? हाँ, सबसे पहले मैं सड़क पर लेटूंगा। और फिर क्या करोगे? फिर आप में से कोई आएगा, मुझे मारेगा और पैसे देगा। कोई तुम्हें मारेगा और पैसे भी दे? हाँ, कोई है जिसमें दम हो? एक पंच का कितना? एक पंच का 100। अगर मैं चिल्लाए तो 300 दूंगा। वाह वाह, अब ये पैसे हमारे हुए। तुम घूसे खा लोगे ना, तो तैयार हो जाओ। रुकिए, 48 घूसे तो हो चुके हैं, अब फिर एक से। अरे
क्या दर्द हो रहा है? क्या दर्द हो तो रहा है पर नाटक कर रहा हूँ। अरे क्या हुआ, तुम इससे डर रहे हो क्या? उठो ना, मारो मारो इसे, करो पिटाई इसकी। आओ आओ, अब तुम्हें मेरे सारे आदमियों से घूसे खाने पड़ेंगे, तैयार हो जाओ। पैसा कमाना इतना आसान है? ये मेरे घूसों के पैसे हैं। मैं ढेर सारे घूसे खाकर घर खरीदना चाहता हूँ। पहले जो मिला है उसे तो बटोर लो। अरे जमा करना मत भूलना। लाओ ये पैसे मुझे दो। क्यों? ये कर है, 50 लगेंगे तुम्हारी कमाई के, और उसके अलावा 50 लगेंगे सरकारी जमीन के, और उसके बाद 50 लगेंगे मनोरंजन के, कुल मिलाकर 150। फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। घर की चोरी करते हो ये हिम्मत? तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे, तब अकल आएगी। देखिए हुजूर, हम मामूली लोग हैं, आपसे बहस नहीं करेंगे। आप जो चाहेंगे हम आपको दे देते हैं, लीजिए। तुम बड़े समझदार हो। हुजूर, हम इसी तरह से पैसे कमाते हैं। आप हमें कितनी भी जोर से मारिए, हमें चोट नहीं लगती। शाबाश, तो तुम्हें चोट नहीं लगती, खुद को मारो। अभी लीजिए हुजूर। देखिए देखिए, मुझे कुछ नहीं होता, देखिए चोट नहीं लगती मुझे। तुम वाकई समझदार निकले, तुम्हारे जैसे लोगों की ही सेना में जरूरत है। चलो मेरे साथ, बस जाया मत करो। शुक्रिया हुजूर, आओ चले। सच में जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाऊंगा। तीन बाव, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। पता नहीं लोग इतनी शराब क्यों पीते हैं। देखो अब बस करो, तुम बहुत पी चुकी हो। देखो हम कुछ बातों को कभी नहीं भूल पाते, खैर तुम ये सब नहीं समझोगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो ऐसा लगता है तुम उसे चाहने लगी हो। नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अरे छोड़ो भी, पी और जियो। अरे आप लोगों ने इतनी शराब पी ली क्यों? मैं शराब नहीं पीती, इन्होंने पी है। बस अब और नहीं। तो मुझे टूट गया। अरे सुनो, उसे पीना है तो पीने दो, समझे? तुम जाकर अपना काम करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। रुक जाओ, मना किया था ना, क्या कर रही हो? और पीना चाहती हूँ। पर मेरे रहते नहीं। अरे छोड़ो, ये उनका आपस का मामला है। मेरा कितना नुकसान कर दिया। ठीक है, ये तो है। तोड़ो ना, सब कुछ तोड़ दो। छोड़ो मुझे, अभी और भी हैं, सब तोड़ दो। बहुत बढ़िया, अब मैं भी तोड़ता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम मुझे मेरे हाथ पर क्यों नहीं छोड़ देते? बस बहुत हुआ, पुरानी बातें सिर्फ दर्द देती हैं, ये तुम भी जानती हो। उन्हें कभी भी दिमाग पर हावी नहीं करना चाहिए। तुम हमेशा इस बॉल से क्यों खेलते हो? मैं लोगों को यह समझाने की कोशिश करता हूँ कि दुनिया की हर चीज गोल है, सूरज गोल है, चांद गोल है, और इंसान को गोल मटोल होना चाहिए। इस जगह का मालिक कौन है? मेरे सामने आए। मालिक तो मैं ही हूँ। आखिर ये लोग चाहते क्या? पर अभी तो कमाई नहीं हुई। क्या कहा? बकवास बंद। ये बकवास नहीं कर रहे, सच कह रहे। ए सुनो, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमने वक्त से पहले अपनी दुकान खोली, तुमने अपना पुराना टैक्स नहीं भरा। हमारी सेना में भर्ती हो रही है, इसीलिए सरकार को तुम्हें 50,000 का टैक्स देना होगा। ये तो सरासर लूट है। हटो,
सरकार के खिलाफ बगावत, सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, खाओ इसे। क्या सोच रहे हो? सुना नहीं, मैंने कहा खाओ इसे। पागल हो गए, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझ गए, सरकार से बगावत और इसका अंजाम तुम्हारी मौत। टैक्स नहीं दोगे तो मौत मिलेगी। चलो घुटने टेको। जब तक ये घुटने नहीं टेकता इसे मारते रहो। मारो, बस बहुत हुआ। तुम्हारी ये मजाक, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, छोड़ूंगा नहीं। मारो, मार मारो, इनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वैसे जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ ना? देख क्या रहे हो, जल्दी से इन लोगों को ठिकाने लगा दो। पकड़ो उसे, जाने मत दो, अगर वो निकल गया तो हम मारे जाएंगे। ओ, ये उल्टा हो गया। अब ठीक है, चलो चल मेरे दोस्त, चल। अरे चल, अरे सीधे टेढ़े नहीं। वहां शहर में बागियों की भीड़ जमा है, जल्दी कुछ करो। देखो एक इधर ही आ रहा है। जानता हूं। अपने दोस्त से मिलने आए हो? देखो तुम बागियों का साथ मत दो, मेरी बात मानो, वो अच्छे लोग नहीं है। पर मुझे तो अच्छे लगते हैं। अब मैं एक सिपाही हूँ और तुम बागियों के दोस्त। अच्छा, तो क्या इससे हम दोनों दुश्मन हो गए? दुश्मन तो नहीं हुए, पर फासले हो गए, ठीक है ना? मैं, मेरे लिए पुराने दिन ही अच्छे थे, सिर्फ मीठे बन खाकर ही बहुत ज्यादा खुश था मैं, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। वैसे ये घोड़ा मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। अब नहीं देगा। मेरी रफ्तार इससे भी कहीं ज्यादा तेज होगी। मुकाबले का मकसद है सबसे अच्छे मार्शल आर्ट्स के कलाबाज को चुनकर सेना का सिपे सालार बनाना। तो अब मुकाबला शुरू किया जाए। हाँ।
लिए कुछ भी नहीं था। अगर आपके पास कोई और बेहतरीन योद्धा है तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। हुजूर, मेरा नाम है ताइबो, मैं इससे लड़ना चाहूंगा। अच्छा लड़ता है। जी हाँ, बहुत अच्छा लड़ता है। रुक जाओ। आज के मुकाबले में तुमने अपनी हद को पार कर दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक सिपाही बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने मेरी बेइज्जती की है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हुजूर, हुजूर, मैं सिपाही सालार बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन आप मुझे सेना से मत निकालिए। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। वैसे एक बात कहो, तुम अच्छे बारटेंडर बन सकती हो। हाँ बिल्कुल, क्या बुराई है जब तक पीने को मिलता रहे। एक बात पूछो, क्या तुम वेटर का काम करोगे? हाँ करूँगा। क्या तुम झाड़ू लगाने का काम करोगे? हाँ करूँगा। अच्छा, और क्या मेरे कपड़े साफ करोगे? तुम्हारे कपड़े धोने लायक भी है क्या? हाँ ठीक है। तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो। क्यों हो तुम? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तुम सबके यहाँ होने की खबर उन्हें मिल चुकी है। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। बचना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से जल्दी। चलो भागो यहाँ से। चलो, चलो तुम लोग यहाँ से जाओ। मैं सारे सबूत साफ कर दूँगा। निकल जाओ। अरे जल्दी से। अरे 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 बाहर निकालो उन्हें। तुमने मेरे अधिकारी पे हाथ उठाने की जरूरत की? हाँ की, क्योंकि गलती उसकी थी। हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया। मालिक उसकी आत्मा को शांति दे। शांति तो तब मिलेगी जब हम उसकी मौत का बदला लेंगे, समझे तुम लोग? जब तक हम उसकी मौत का बदला नहीं ले लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। अरे उन लोगों से लड़ना इतना आसान नहीं है। बात कर रहे हो, उन लोगों से लड़ना क्यों आसान नहीं है? नहीं है। लड़ाई बंद करो तुम लोग और कोई नया रास्ता सोचो। दूसरे बागियों को बुलाना पड़ेगा, तभी हम उनसे अच्छी तरह लड़ सकते हैं। पर उन्हें बुलाने का काम करेगा कौन? तुम्हारा दोस्त करेगा। ठीक है, मैं करूँगा। अंदर की सब खबर मैं लेकर आऊंगा। 2 दिन बाद पूरी सेना नदी के पार अभ्यास करने जाएगी। तुम तैयार हो ना? ठीक है, याद रखो हमला एक साथ होगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो। वैसे लगी तो है। ठीक है, बाद में कर लूंगा। कहाँ है वो? वहाँ उस खेमे के अंदर, और वहाँ सैनिक भी कम है। ठीक है। Thank you.
अब क्या किया जाए? तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? मारो! मुझे उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था, पर तुम्हारी इस चाल ने हमें बचा लिया। हमें तुम जैसे सिपाहियों की ही जरूरत है। अब देखना यह है कि तुम कितने वफादार साबित होते हो। हमेशा वफादार रहूंगा। जो आदमी अपने दोस्तों को धोखा दे सकता है, वो हमसे वफादारी क्या करेगा? मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। टिंग हाओ, मैं तुम्हें पिछली बार ही सिपा सलार बना देता, लेकिन मुझे तुम्हारी वफादारी पे तब यकीन नहीं था और साथ ही दूसरे सैनिकों को भी बुरा लगता, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना सिपा सलार बनाता हूँ। शुक्रिया हुजूर,
तुम्हारा दोस्त जो यहाँ से भागा है वो भी इस कला का माहिर था। मुझे अच्छे आदमियों की जरूरत है, उसे भी भर्ती कर लो, उसे भी अपने साथ मिला लो। संभालो, ठीक तो हो? हम तुम्हारे साथ लड़ने का, तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब हम तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। तुम्हारा साथ देकर हम अपने कर्म पछता चुके हैं। अब हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। तुम मरने के लायक हो, तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम गलत समझ रहे हो, इसे तो उसने धोखा दिया जिस पर इसे सबसे ज्यादा भरोसा था। इसकी कोई गलती होगी तो हमेशा खुश रहोगी। मैं तो तुम्हें बहुत जालिम समझता था, लेकिन तुम तो एक औरत के सामने झुक गए। हुजूर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुमने हमें धोखा दिया, अब तुम मारे जाओगे। तुमने एक बागी को अपने खेमे में कैसे रख लिया? तुम तो सिपा सलार हो ना? इसे मारने की क्या जरूरत थी, सीधा जेल में ही डाल देते। हुजूर, आपकी खुशी के सामने किसी की जान की कोई अहमियत नहीं। आज से तुम्हारे लिए सारे कामयाबी के रास्ते खुल चुके हैं। शुक्रिया हुजूर। दोस्त, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उसे छोड़ दो। 20 सालों तक हम दोनों साथ रहे, लेकिन उन 20 सालों की मेहनत से हमें क्या मिला? आज मैं तुम्हारी जिंदगी बना सकता हूँ। जिंदगी भर याद रखोगे कि कोई दोस्त था मेरा। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। गद्दारी करने वाले के साथ मेरी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। मैं गद्दार नहीं, सिपाही हूँ। बगावत का अंजाम तुम देख चुके हो। मैंने तुम पर भरोसा किया, उन लोगों की मौत मेरी वजह से हुई। उनकी मौत की वजह तुम बने, और तुम्हारी मौत की वजह मैं बनूंगा। पकड़ो इसे। Oh!
मौका और देता हूँ तुम्हें, मेरा साथ दोगे या नहीं? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। देखो मुझे मजबूर मत करो। मजबूर तो तुमने मुझे किया है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुमने उन बेगुनाहों को मार के अच्छा नहीं किया। जिसने अपने प्यार का खून कर दिया उसके लिए तुम क्या हो? अभी तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है। इसके जख्म पर लगा दो, जल्दी भर जाएंगे। बर्दाश्त करना, जलन होगी। इस पर कोई असर नहीं हो रहा, देखते हैं। इसे तो कुछ भी महसूस है। दर्द हुआ क्या? बहुत। माफ करना। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा है। इसे उसने धोखा दिया जिस पर इसे सबसे ज्यादा भरोसा था, और इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो मैंने अपने दोस्त पर भरोसा करके गलती की। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी ठीक हो पाएगा। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ? 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 नहीं, सुनो, नहीं, मत सोचो। आवाज तुम हो। क्या तुम हो? तो सपना देखा क्या? नहीं, ये सच है, हकीकत है ये। वो लोग यहीं पर बैठे थे, वो काले कपड़ों वाला। पी लो, अच्छा लगेगा। शुक्रिया। हाँ, मैंने तुम्हें मारा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। माफ करना, मुझे माफ करना।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनो, ये ठीक तो हो जाएगा ना? कोशिश करके देखते हैं, शायद इससे कुछ असर हो इस पर। ये बताओ नहीं, नहीं, अब कैसा लग रहा है? इसे छोड़ो। इधर देखो। अरे उसे मत छूना। अरे सुनो। देखो ये बड़े काम की चीज है। इसे हाथ। ये सिपाही बहुत बड़ा बेवकूफ। नहीं। अरे उसने मुझे रोने वाली सुई चुबा दी है और तुम्हें हंसने वाली। देखो हंसने लगी ना। देखा तुमने, एक सैनिक बनने के लिए कड़ा अभ्यास और अनुशासन जरूरी है। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैंने कहा ना कि तुम्हारे सिखाने का तरीका गलत है, बिल्कुल गलत है। तरीके से कुछ नहीं होता, सिपाही के लिए जरूरी है उसकी जीत, फिर वो चाहे जैसे भी मिले। जिस तरह तुम सिखाते हो उसे तो ये लोग एक दिन बगावत कर देंगे। यहाँ के बेहतरीन सिपाही ही मारे जाएंगे और शायद तुम भी। मौत की परवाह किसे है? सेनापति हूँ मैं, जो मैं कहूँगा वही होगा। तुम आज फौज के सेनापति हो लेकिन यहाँ तक मैंने तुम्हें पहुँचाया है। मेरे खिलाफ जाने की सजा सिर्फ मौत है। कहाँ हो तुम? अरे कहाँ भाई? चला गया, कहाँ जा सकता है? पता नहीं कहाँ चला। कहाँ हो? हाँ? अरे ये तो यहाँ है। क्या है? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। अरे क्या फिक्र ना करें, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। ओ, 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 पर मुझे क्या हुआ? आपको आराम की जरूरत है। अरे दुखता है। लगता है जनाब ठीक हो गए। ठीक हो गए? गुरुजी, गुरुजी ठीक हो गए, ठीक हो गए। क्या बात है, आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। सो जाओ, सो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये चादर छोटी है, बड़ी वाली नहीं है? ठीक हो जाएगा ना? अरे अगर ये अब ठीक नहीं हुआ तो मैं अपने गाल पे 10 तमाचे मारूंगा। फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने क्यों कसम खाई थी? एक दो तीन चार पाँच। तुमने ठीक कहा था, पुरानी यादें तकलीफ देती हैं। खास ख्याल रहे, कोई रुकेगा नहीं। साथियों प्रदर्शन शुरू करो। इस बात का ख्याल रहे जो भी रूपा मार दिया जाएगा।
तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए, अब तुम्हें भी मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। अरे ये तो जल्दी हमें मारना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? पर मैं समझ गया हूँ। ओह अच्छा, वो दोपहर को भी यही करता है, शाम को भी यही करता है। हाँ दिन में तीन तीन बार। अब हम इसका नाम सेंटेंग रख देते हैं, मतलब पागल है? सुनो कुछ खा लो, तुमने तीन दिन से कुछ नहीं खाया। अरे इसे सुनते नहीं खाते हैं। खाओ ना। ये मुझे चैन से नहीं जीने देगा। हुजूर आपकी खिदमत में पड़ोसी राज्य से लूटा हुआ खजाना पेश है। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने काम में माहिर हो। शुक्रिया हुजूर, ये तो मेरा फर्ज था, फर्ज के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। पूरा देश बागियों की फौज से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे इलाके में एक भी बागी मौजूद नहीं है, और इसलिए राजा साहब ने हमें सम्मान देने के लिए बुलाया है। आपको तो सम्मान मिलना ही चाहिए हुजूर, आपकी वजह से ही हमारे पूरे इलाके में एक भी बागी मौजूद नहीं है, ये सम्मान की ही बात है। तो तुम भी हमारे साथ चलो, शर्माओ मत। जैसा आप चाहें हुजूर। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द कर इकट्ठा करके हमारे पास लेकर आओ। जी हुजूर। गंदे हाथों से पानी मत पियो, साफ पानी यहाँ है। शुक्रिया। हाँ। वाह बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथ अब भी गंदे हैं। छोड़ो। गंदे? तुम मुंह से पीता हूँ। नहीं ऐसे पानी नहीं पीते। उठो छोड़ो मुझे। ये बताओ तुम्हें इस तेज धूप में कैसा लग रहा है? ये छाता ले लेते हैं, नहीं तो जल जाएंगे। वैसे खुली हवा और धूप तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इस टूटे हुए पेड़ पर ये हरे पत्ते इस बात की निशानी है कि ये जीना चाहता है। अरे दादा क्या हुआ? दादा, क्या हुआ? दादा, अरे तुम्हारे घर में बच्चा हुआ है? अच्छा, मैं चाचा बन गया। अरे वाह कितनी खुशी की बात है, मैं बाप बन गया। अरे जल्दी करो, देरी क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होने क्या तुम्हें? हाँ आ रहा हूँ। अपना बोझ उतारो और नई जिंदगी की ओर भागो। हाँ तो ये लो। अरे मैं बाप बन गया। अरे रुको मैं नहीं आ रहा। उस बच्चे ने उस आदमी से क्या कहा? अपना बोझ उतारो नई जिंदगी की ओर भागो। अपना बोझ उतारो नई जिंदगी की ओर भागो। मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया, याद आ गया। ये ची की किताब है, मार्शल आर्ट्स की किताब नहीं। जब कभी मन परेशान हो तो इसे पढ़ना, तुम्हें सुकून मिलेगा। ये किताब ऐसी है जो तुम्हें कभी दुश्मनों को मारने के लिए नहीं कहेगी, बल्कि ये तुम्हें मौके का सही फायदा उठाना सिखाएगी। एकजुट रहो, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो, तभी तुम जीत सकते हो। कोई चाल भी मत चलो वरना खत्म हो जाओगे। हवा के रुख के मुताबिक चलो,
अबे दीवार नहीं चेहरा है मेरा। कभी लालच मत करो। और कौन कौन से वार हो सकते हैं? ना जड़ ना मूल, सब प्राकृतिक। इसे कहते हैं ताई जी। मैं ठीक हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। मुझे पूरा यकीन था तुम एक दिन जरूर ठीक हो जाओगी। आओ खाना खा लो। अरे आओ आओ जुंग सांतेंग, आप तो चावल ठीक से खा लोगे ना। चुप रहो। सांतेंग, जुंग सांतेंग, अच्छा नाम है। अतीत को भूल जाओ। ये लेट कर क्यों नहीं सोता? क्योंकि वो कभी सोता ही नहीं है। चुप रहो, परेशान मत करो। हाँ वो कभी नहीं सोता। अपनी सांसों को चलने दो, अपने मन को एकाग्रचित करो। और दूसरी ताकतों को अपनी ताकत पर हमला करने दो। एक घूमती गेंद अपने सामने आने वाली हर चीज को गिरा देती है। मेरा खाना बर्बाद कर दिया। क्या कर रहे हो? जहाँ गति होती है वहाँ स्थिरता भी होती है। इसे सब कुछ याद आ रहा है। गेंद को चाहे मैं कितनी भी ताकत से क्यों ना मारूं, वो पानी से टकरा कर लौट ही आएगी। सामने वाले को कम कभी मत समझो। तो तुम्हें सब याद आ गया? तुम ये सब क्या कर रहे थे? मैं प्रकृति के हर नियम को जान गया हूँ, कुदरत में मौजूद हर चीज को जान गया। हाँ, पानी के अंदर कोई है। बागियों का पता बताओ, जल्दी करो। नहीं बताऊंगा, कम से कम तुमको तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे नहीं बताओगे? खत्म कर दो इन्हें। नहीं, इनकी क्या गलती है? बदला मेरे से लो, मेरे से। तुमने मेरी बीवी को मारा, तुम भी बुरी मौत मरोगे, जालिमो। सबका यही हाल होगा। जिसने भी बागियों को पनाह दी, मैं उसका अंजाम वही करूंगा जो आप इसका होगा। अरे सुनो, अरे सुनो। क्या? अरे तियानबो तुम्हें ढूंढता हुआ आया था, तुम्हारे ना मिलने पर उसने उस निर्दोष दुकान वाले को मार दिया और उसके बीवी बच्चों को भी। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके बीवी बच्चों। अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं।
चलो चलो। अरे सुनो तो, ताओइज्म कहता है विनाश से बचो, चलो यहाँ से निकल चलते हैं। ताओइज्म ये भी कहता है कि खुद को भूलकर दूसरों की रक्षा करो। देखो बेटी, बातों को भूल जाओ और निकलो यहाँ से। मेरा दिल तो उस गद्दार को भूलने का भी करता है, लेकिन अपनी मौत से पहले मुझे उसे ये बर्बादी करने से रोकना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो होनी को कोई नहीं डाल सकता। पर तुम अकेले जाओगे? घबराओ नहीं, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, मेरी क्या जरूरत है। तुम दोनों के लिए मेरे पास कुछ है, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हाँ, मैंने भी ताउजन की पढ़ाई की है, उसकी सच्चाई मुझे आज पता चली है। ये लड़का तो उस्तादों का उस्ताद है, अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऊपर वाला आपको ढेर सारी दौलत और खुशियाँ दे, वो आपकी रक्षा करे। हमला हुआ है। ओ तो तुम हो, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की है? तुमने जो तबाही मचा रखी है उसे रोकने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ा। जरूर कर देंगे, पहले सारे कर माफ करो, चलो उठो। पीछे हटो,
बहुत अच्छे। सोचा नहीं था कि तुम इतने तेज निकलोगे। मैं तो बचपन से ही तुमसे तेज हूँ, लेकिन मैं ऐसे घिनौने काम नहीं करता। कहना क्या चाहते हो? सिर्फ एक बात कहनी है, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम और मैं साथ चलते रहे, लेकिन कामयाब कौन हुआ, तुम या मैं? जवाब है इसका? कहो, घुटने टेक दे। मान जाओ, जैसा कहते हैं करो। चुपचाप हमारी बात मान लो और सारे कर माफ कर दो। क्या समझते हो, इस तरह अपनी बात मनवा लोगी? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से बच के निकल जाओगे? इतने लोगों में से, इतनी बड़ी सेना में से ये लोग चीर देंगे तुम्हें। गुरुजी ने तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन हमेशा मैंने तुम्हारा साथ दिया। आज साथ छूटने का वक्त आ गया है। देखते हैं कौन किसे चीरता है। सामना करो मेरा। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मेरी छोड़ो और अपनी सोचो, तुम्हारी मदद करने वाला तो कोई भी नहीं। अब तुम नहीं बचोगे। ये बचकानी हरकतें करके तुम नहीं बच सकते। प्रकृति के नियम। Oh!
मार दो इसे, खत्म कर दो, खत्म कर दो। ऐसा मत करना, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। क्या? इनकी बातों में मत आओ। रोको उसे। हाँ, रोकता हूँ उसे, रोकता हूँ। जाओ, मैं कहता हूँ, जाओ। मैं तुम्हारा सेनापति हूँ। फरमान, हमने तुम्हें रुकने के लिए कहा और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। लगता है ये पागल हो गया। क्या किया? किया? अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सुना तुमने? अगर किसी को लगता हो कि ये सच्चा है तो ही इसका साथ दे। रुको, पीछे हटो, कोई साथ नहीं देगा। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ कट कर दो इसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी मदद की है, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे बचपन के साथी हो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। मेरी वजह से कितने बेगुनाहों की जाने गई। इस पर भरोसा मत करना। कहाँ जा रहे हो? अपने दोस्त की अस्थियां बहाने। क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? शायद कभी। अपना ख्याल रखना।